दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं जर्नल एंट्री आप लोगों को बताऊंगा, वो भी विदाउट पेन विदाउट पेपर। और आज जो हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें ना कहीं पेन की ज़रूरत है, ना कहीं पेपर की ज़रूरत है, ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत है। दोस्तों, क्वेश्चन है, पेड रेंट बाई चेक ₹5,000। दोस्तों, इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगी। दोस्तों, क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने इतना फास्ट मैंने उसकी जनरल एंट्री करा है। तो आप लोग भी जनरल एंट्री इतना ही फास्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूँ, पेड रेंट बाई चेक ₹5,000। अब इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि रेंट रेंट पेड हो रहा है ना, तो रेंट क्या है? हमारा एक्सपेंस है। और किससे हम पेमेंट कर रहे हैं? चेक से पेमेंट कर रहे हैं। और चेक का रिलेशन किससे होता है? बैंक से होता है। तो आप ये देखिए कि मेरे तरफ से क्या जा रहा है, यानी कि मेरे तरफ से कैश जा रहा है, और कैश जो है बैंक के थ्रू जा रहा है, यानी कि चेक के थ्रू हम कैश दे रहे हैं। तो इसलिए चेक का जो रिलेशन होता है वो बैंक से होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और जाहिर सी बात है, अगर टू बैंक हो गया तो फिर डेबिट में हम क्या करेंगे? रेंट अकाउंट, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट टू चेक, यानी कि टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। 5,000 डेबिट में लिखेंगे और 5,000 क्रेडिट में। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाउट गुड्स फॉर रीसेल ऑन क्रेडिट फ्रॉम जाकिर एंड कंपनी ₹50,000। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू जाकिर एंड कंपनी ₹50,000 डेबिट और 50,000 क्रेडिट। फिर आप लोग कहेंगे कि सर, आप तो बहुत ही फास्ट करते हैं जनरल एंट्री। भैया, जनरल एंट्री फास्ट करते हैं क्योंकि मैंने देख लिया कि क्वेश्चन में क्या है। इसी तरह आप भी कर सकते हो, बहुत ही फास्ट जनरल एंट्री आप भी कर सकते हो। आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है अबाउट गुड्स फॉर रीसेल ऑन क्रेडिट फ्रॉम जाकिर एंड कंपनी ₹50,000, यानी कि गुड्स परचेज किया गया। किससे परचेज किया गया? जाकिर एंड कंपनी। और जाकिर एंड कंपनी कहने का मतलब यह है कि वो नाम आ गया है। तो जहाँ पर भी नाम आता है वो समझिए क्रेडिट, और क्रेडिट इसमें लिखा भी हुआ है, क्रेडिट फ्रॉम जाकिर एंड कंपनी। तो हम लोग उधार परचेज कर रहे हैं, इसमें सिर्फ अबाउट गुड्स और जाकिर एंड कंपनी लिखेंगे। तो आप ये देखिए कि हम क्या परचेज़ कर रहे हैं, यानी कि गुड्स परचेज हो रहा है। तो गुड्स परचेज हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग या तो गुड्स का अगर कोई नाम रहता है तो गुड्स का नाम हम लोग लिखते हैं, अगर गुड्स का नाम नहीं रहता है तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे ले रहे हैं? जाकिर एंड कंपनी से ले रहे हैं। तो यहाँ पे होगा जाकिर एंड कंपनी अकाउंट टू जाकिर एंड कंपनी। बस यही आपको देखना है। इसी तरह आप आराम से मतलब जनरल एंट्री कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैश सेल्स ₹5,000। तो इसकी एंट्री जब जनरल एंट्री हमें करनी होगी तो कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल है। आप लोग फिर कहोगे कि सर, आप तो बहुत ही फास्ट जनरल एंट्री करते हो। वाकई में जनरल एंट्री में बहुत ही फास्ट करता हूँ और आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे कैश सेल्स ₹5,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कैश सेल्स दिया हुआ है ना, तो आप ये देखिए कि आप बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो? कुछ गुड्स बेच रहे होगे। तो भाई, आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है ना, तो कैश डेबिट हो जाएगा। आपने बेचा भाई, अगर कोई गुड्स बेचोगे तो गुड्स का नाम लिख दोगे टू गुड्स। आप कैश आपके पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे, और गुड्स का नाम अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेड वेजेस ऑफ असिस्टेंट इन कैश ₹1,000। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप फिर कहोगे कि सर, आप तो बहुत ही फास्ट जनरल एंट्री करते हो। भैया, जनरल एंट्री मैं करता हूँ फास्ट, और यही बात मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि आप लोग भी जनरल एंट्री बहुत फास्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आप ये देखिए कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेड वेजेस ऑफ असिस्टेंट इन कैश ₹1,000। तो ₹1,000 हमने दिया, किसको दिया? असिस्टेंट को दिया। किस चीज़ का दिया? वेजेस का दिया। बस आप वेजेस पकड़ो और कैश पकड़ो, और कैश आपसे जा रहा है तो टू कैश पहले लिख दो, और ऑब्वियस सी बात है कि क्या दे रहे हो? वेजेस दे रहे हैं तो वेजेस डेबिट कर दो, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कैसी भी जनरल एंट्री हो बहुत ही आसानी से करोगे और बहुत फास्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेड इंश्योरेंस बाई चेक ₹500।
तो इसकी जर्नल एंट्री जो होगी वो इंश्योरेंस अकाउंट नहीं, टू बैंक अकाउंट। आप लोग फिर बोले कि सर आप वाकई में इतना फास्ट करते हो, बिलीव नहीं हो रहा है। भैया मैं कह रहा हूँ कि आप भी कर लोगे, मेरा विश्वास करो। और मैं 100% चैलेंज कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कैसी भी जनरल एंट्री हो आप करोगे ही करोगे और फास्ट उसकी एंट्री करोगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है पेड इंश्योरेंस बाय चेक ₹500। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये समझ में नहीं आया होगा कि सर इतना फास्ट जनरल एंट्री बता रहे हैं कि इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दिए बिना कुछ सोचे समझे। भैया क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस होता है। और चेक, चेक का रिलेशन किससे होता है, बैंक से होता है। तो आपने चेक से पेमेंट किया, भाई आपसे क्या जा रहा है, चेक जा रहा है। और चेक का जो हम लोग टू चेक तो कभी लिखते नहीं है क्योंकि चेक जाता है बैंक में, तो हम लोग टू बैंक लिखेंगे। और जब टू बैंक लिखती है तो ऑब्वियस सी बात है तो इंश्योरेंस अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा क्योंकि इंश्योरेंस एक्सपेंस है। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, 500 डेबिट में करेंगे और 500 क्रेडिट में करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है पेड वेजेस ऑफ असिस्टेंट इन कैश ₹1000, गुड्स रिटर्न टू जाकिर एंड कंपनी ₹6000। तो इसकी जनरल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। भाई आप लोग सोचने लगोगे कि यार ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, समझ ही में नहीं आ रहा सर कि आप क्या बता रहे हो, सर कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। भाई मैं जो बता रहा हूँ आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पेड वेजेस ऑफ असिस्टेंट इन कैश ₹1000। भाई वेजेस पेड किया मैंने, कैसे किया है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देंगे, सिंपल है। कैश जा रहा ना तो टू कैश करेंगे, और क्या किससे जा रहा, वेजेस से जा रहा ना, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे। फिर गुड्स रिटर्न टू जाकिर एंड कंपनी 6000। भाई गुड्स रिटर्न किया जाकिर एंड कंपनी जो है, जाकिर एंड कंपनी से पहले हमने परचेज किया था, जाकिर एंड कंपनी को हमने गुड्स रिटर्न कर दिया। भाई उससे पहले हम लोग परचेज किए थे, समझ में नहीं आया कि यार तुम्हारा सामान हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है, चलो हम तुमको रिटर्न कर दे रहे हैं, लो भैया अपना सामान तुम अपने पास रखो। तो इसकी एंट्री कैसे करोगे, गुड्स रिटर्न टू जाकिर एंड कंपनी, भाई जाकिर एंड कंपनी को हमने अपना गुड्स जो परचेज किया था उसको दे दिया, यानी जाकिर एंड कंपनी के पास हमारा गुड्स चला गया। और उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, तो जो हमने एंट्री किया था पहले परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू जाकिर एंड कंपनी अकाउंट, जस्ट अपोजिट एंट्री कर दो, जाकिर एंड कंपनी को डेबिट कर दीजिए और टू गुड्स रिटर्न कर दो, जहाँ परचेज की एंट्री हुई थी वहाँ पे हम लोग गुड्स रिटर्न की एंट्री करेंगे, यानी कि जाकिर एंड कंपनी डेबिट हो जाएगा और टू गुड्स रिटर्न कर दो टू जीआर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेड जाकिर एंड कंपनी ₹30000 बाई चेक, तो इसकी एंट्री कैसे करोगे, जल्दी बताओ जल्दी कैसे करेंगे इसकी एंट्री। सर समझ में नहीं आ रहा, सर क्या करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे यार बहुत ईजी है, जाकिर एंड कंपनी को हम भाई चेक से पेमेंट कर रहे हैं ना, तो जाकिर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, सिंपल एंट्री है मेरे भाई। इसको समझने की कोशिश करो, दिमाग में बैठा लो, ना मैं कोई रूल बता रहा हूँ ना कोई नियम बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंपल क्वेश्चन देख रहा हूँ और उसकी जर्नल एंट्री मैं कर रहा हूँ, यही चीज़ आप लोगों को करनी है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाउट गुड्स फॉर रिसेल ऑन क्रेडिट फ्रॉम राव एंड कंपनी ₹25000। क्वेश्चन देखो समझ जाओ, एक बार में क्वेश्चन देखो और उसकी जनरल एंट्री करो, बाउट गुड्स फ्रॉम रीसेल ऑन क्रेडिट फॉर फ्रॉम राव एंड कंपनी ₹25000, परचेज अकाउंट डेबिट टू राव एंड कंपनी अकाउंट ₹25000 डेबिट में, ₹25000 क्रेडिट में करेंगे। भाई समझ जाओ ना कैसे जनरल एंट्री हम लोग करते हैं, बहुत ही ईजी है ना, बाउट गुड्स और क्रेडिट में हमने गुड्स परचेज किया, किसे किया, राव एंड कंपनी से किया, भाई राव एंड कंपनी जो है वो क्रिएटर हो गया हमारा, और क्रिएटर को हम लायबिलिटी कहते हैं और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट भी होता है। तो उतना मैं नहीं समझाऊंगा, मैं सिंपल बताऊंगा कि आपने गुड्स ख़रीदा तो गुड्स को डेबिट करने का, और किससे ख़रीदा, राव एंड कंपनी से ख़रीदा तो राव एंड कंपनी को क्रेडिट करने का, बस परचेज अकाउंट डेबिट टू राव एंड कंपनी अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसल्स ₹7000। भाई हम लोग इसकी एंट्री हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, भाई कैश मेरे पास आ रहा है और हमने सामान बेचा है तो टू सेल्स कर दो, सिंपल एंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड वेजेस ऑफ असिस्टेंट इन कैश ₹1000, भाई वेजेस का पेमेंट हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाउट स्टेशनरी पेड इन कैश ₹5,000। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाउट स्टेशनरी पेड इन कैश ₹500। पहले हम लोग जो भी परचेज कर रहे थे वो क्रेडिट में परचेज कर रहे थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको कैश में परचेज करना है। तो क्या परचेज कर रहे हैं? स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं। और किससे परचेज कर रहे हैं? कैश से परचेज कर रहे हैं। मेरे पास से क्या गया, क्या आया, जल्दी बोलो, जल्दी, क्या गया क्या आया? स्टेशनरी आया मेरे पास से, कैश गया, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देंगे। सिंपल है दोस्त, सिंपल एंट्री करनी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश सेल्स ₹15,000। भाई कैश सेल्स की एंट्री हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, अब अभी नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेड राव एंड कंपनी ₹14,000 बाय चेक। हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राव एंड कंपनी को 14,000 का पेमेंट हुआ है, चेक से हुआ है। सिंपल क्वेश्चन देखो कि क्या करना है। तो 14,000 का पेमेंट हुआ है, मेरे तरफ से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। और कैश किसके रूप में जा रहा है? चेक के रूप में जा रहा है। और चेक का रिलेशन किससे होता है? बैंक से होता है। तो टू बैंक लिखेंगे। किसको हम पेमेंट कर रहे हैं? राव एंड कंपनी को कर रहे हैं। राव एंड कंपनी डेबिट हो जाएगा। राव एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू चेक टू सॉरी टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेड वेजेस ऑफ असिस्टेंट इन कैश ₹1,000। ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेड ₹20,000 इनटू द बैंक। हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग नहीं देखे थे, इसलिए ये क्वेश्चन अभी देखेंगे। बैंक में ₹20,000 पेड किया। पेड कहने का मतलब, भाई लैंग्वेज कुछ भी लिख सकता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि लैंग्वेज ये लिख रहा है कि पेड कर रहे हैं बैंक में। भाई बैंक में जमा भी कर सकते हैं, लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हैं, डिपॉजिटेड भी लिख सकते हैं, पेड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। राइटर ने कुछ भी लिख दिया, आपको समझना है कि आपको क्या करना है, आपसे क्या जा रहा है, आपकी तरफ से क्या जा रहा है। भाई कैश जा रहा है, सिंपल है ना, कैश जा रहा है। क्या आ रहा है? बैंक आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देंगे। कैश जमा कर रहे हैं हम बैंक में, तो सिंपल एंट्री करनी है, बैंक टू कैश कर देंगे। दोस्तों, आप लोगों को जनरल एंट्री कैसी लगी, कैसा मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।